पार्टी नहीं है, भारतीय जन विरोधी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है। जिस तरीके से हमारे देश के धरती भगवान के रूप में लोग मानते हैं, किसानों के ऊपर केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्रों द्वारा जिस तरीके से वाहन रौद कर निर्मम हत्या की गई है, हम लोग उस हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। और एक एक किसानों को दो दो करोड़ रुपया और एक एक सरकारी नौकरी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखनऊ की पुलिस ने पहले हाउस अरेस्ट किया, बाद में लखनऊ की पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ससम्मान रिहा नहीं किया जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। लैंड ऑर्डर क्यों ना, लैंड ऑर्डर खराब करने की अगर ये बात कर रहे हैं तो कैसे ये इतने भारी सुरक्षा के बावजूद ये केंद्रीय मंत्री के पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे गए, मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। कहाँ थे वो लोग, लाइन ऑर्डर कहाँ था, वो लाइन ऑर्डर कहाँ था? इनके काफिले भरी पुलिस के मौजूदगी में घुस के किसानों के ऊपर जो है वहाँ से रौंदने का काम किया, हत्या करने का काम किया। लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, लाइन ऑर्डर प्रदेश में एकदम समाप्त हो चुका है, जंगल राज प्रदेश में कायम है। हम लोग तभी उठेंगे जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ससम्मान रिहा नहीं किया जाता। यहाँ पर धरने पर मैं डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई है उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में धरने पर बैठने का काम किए हैं, उनको गिरफ्तारी किया गया है। ये जन विरोधी सरकार, पूरे प्रदेश में कोई भी लाइन ऑर्डर नहीं है। हम सब लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं किया गया।